और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। रांची में बड़ी रेड की खबर सामने आ रही है, छापेमारी की गई है झारखंड के रांची में, और कहां पर किस किस ठिकाने पर यह रेड हुई है और क्या पूरा मामला है वो तफ्तीश से आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है यही है कि रांची में रेड मारी गई है। बताया जा रहा है कि 7 जगहों पर आयकर विभाग का ये छापा पड़ा है, यानी कि आईटी की टीम अलग अलग इलाकों पर पहुंची है और ये 7 ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं, 7 ऐसी जगह हैं जहां पर आयकर विभाग की टीम इस वक्त मौजूद है। सीएम हेमंत सोरेन के सलाहकार के ठिकाने पर भी पहुंची है विभाग की टीम और यहां पर एक्शन में आ रही है नजर। तो देखिए, सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार पर यह छापेमारी की गई है। झारखंड चुनाव से पहले सुनील श्रीवास्तव के भी कई ठिकानों पर देखिए छापेमारी हुई है। 7 जगहों पर आयकर विभाग की तरफ से ये छापेमारी की गई है। आयकर विभाग का ये बड़ा एक्शन झारखंड चुनाव से पहले तो सीधे तौर पर कनेक्ट करके इसको देखा जा रहा है। कई ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है आयकर विभाग की तरफ से, 7 जगह कुल बताई जा रही है जिसमें आयकर विभाग की तरफ से ये बड़ा एक्शन लेते हुए, जिनमें सुनील श्रीवास्तव समेत कई अन्य लोग हैं जिनके ठिकानों पर रेड मारने की खबर सामने आ रही है झारखंड के रांची में, जहां पर आयकर विभाग की तरफ से ये छापेमारी की गई 7 जगहों पर। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंदन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंदन, क्या जानकारी पूरी मिल रही है इस छापेमारी को लेकर? देखिए, आयकर विभाग ने आज सुबह ही झारखंड की कई जगहों पर छापामारी की है और ऐसा बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के जो निजी सलाहकार हैं सुनील श्रीवास्तव, उनके घर पर भी आयकर विभाग ने आज दस्तक दी है। हालांकि छापेमारी में क्या क्या चीज बरामद हुआ है अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, मगर झारखंड इन दिनों अलग अलग टीमों ने छापेमारी जारी रखी है। ईडी के बाद आयकर विभाग लगातार झारखंड के कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। जी, और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, झारखंड चुनाव से पहले आयकर विभाग का एक्शन देखने को मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार पर छापामार कार्रवाई यहां पर की जा रही है, उनके घर पर आयकर विभाग की टीम इस वक्त मौजूद है। झारखंड में इस वक्त 7 जगहों पर आयकर विभाग का छापा यहां पर देखने को मिल रहा है, छापामार कार्रवाई जारी है। सुनील श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर भी रेड मारी गई है, ये बड़ी खबर मिल रही है। सुनील श्रीवास्तव, जो कि सीएम के निजी सलाहकार बताए जा रहे हैं, उनके घर पर इस वक्त आयकर विभाग की टीम मौजूद है और आप एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये सीएम के निजी सलाहकार के ठिकाने की ही तस्वीरें हैं, उनके घर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आयकर विभाग की टीम पहुंची और छापा मारा। हालांकि क्या कुछ बरामद होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स यहां से मिलते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन ये मुश्किलें बढ़ा सकती है ये कार्रवाई सुनील श्रीवास्तव की, क्योंकि सुनील श्रीवास्तव सीएम के निजी सलाहकार हैं और उनके साथ साथ ऐसे 7 जगह हैं जहां पर इस वक्त आयकर विभाग की टीम मौजूद है और छापामार कार्रवाई कर रही है। झारखंड में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये बड़ी कार्रवाई कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, कितना वक्त हो गया है, 7 जगहों पर इस वक्त आयकर विभाग की टीम मौजूद है और सबसे ज्यादा नजर सुनील श्रीवास्तव के घर पर? जी बिल्कुल, सुनील श्रीवास्तव इसलिए खास बताए जा रहे हैं क्योंकि वे मुख्यमंत्री के काफी नजदीक बताए जाते हैं और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि जो चुनाव है अभी विधानसभा झारखंड में, तो उसके मद्देनजर जो है ये जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। झारखंड शुरू से ही देखा गया है कि ईडी की टीम जो है वो झारखंड के कई हिस्सों पर छापेमारी की थी और उसके बाद अभी आयकर विभाग की जो टीम है वो लगातार जो है वो एक्टिव है और झारखंड के कई हिस्सों पर छापेमारी कर रही है। ठीक, क्या कुछ यहां से बरामद होता है, क्या मिलता है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना उद्धव गुट का के जो पूर्व सांसद है उन पर एक्शन लिया गया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हिंगोली से पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। सुभाष वानखेड़े पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का भी आरोप है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शिवसेना यूबीटी के ये पूर्व सांसद बताए जा रहे हैं, उन पर एक्शन लिया गया है, पार्टी से निष्कासित उनको कर दिया गया है। सुभाष वानखेड़े पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है और कई बार वो पार्टी विरोधी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं व्यक्त कर चुके हैं, इसी वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। नम्रता, क्या जानकारी है, सुभाष वानखेड़े को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, बड़ी कार्रवाई हुई है?
जी देखिए, उद्धव ठाकरे लगातार उन नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, पार्टी के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा भिवंडी के तमाम नेताओं को उन्होंने निष्कासित किया था। हिंगोली से पूर्व सांसद है सुभाष वानखेड़े, इनको निष्कासित किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि सुभाष वानखेड़े की जो करीबी है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से बड़ी है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ दिन में वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। उसके पहले उद्धव ठाकरे ने कार्रवाई करते हुए इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हिंगोली में बड़ा चेहरा है सुभाष वानखेड़े और कई सारे वोट जो है वो इनके पास मौजूद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने फैसला जो है वो पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए लिया है, लेकिन नुकसान भी कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर होगा, क्योंकि हिंगोली में इन्होंने पूर्व सांसद होने के दौरान कई सारे प्रोजेक्ट में अपना हाथ रखा था और जिससे उद्धव ठाकरे को काफी ज्यादा फायदा हुआ था। लेकिन अब इनकी करीबी एकनाथ शिंदे से बढ़ते हुए देखते हुए जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। और ऐसे में लगातार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो भी पार्टी विरोधी होगा या फिर जो महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं और उसके पहले इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो शिवसेना यूबीटी के नेता लगातार कर रहे हैं, खासतौर से उद्धव ठाकरे उन पर नजर भी रख रहे हैं और ये देखना होगा कि क्या वानखेड़े आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में अमित शाह ने सीएम पद को लेकर संकेत दिया है। दरअसल एक चुनावी रैली में अमित शाह ने लोगों से कहा कि वो महायुति को जिताएं, देवेंद्र भाई को जिताएं। अब इस बयान के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में हुंकार भर रहे थे। उन्होंने 4 रैलियां की, लेकिन सांगली की चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में नेता के रूप में उनकी पहली पसंद है। जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना। अमित शाह ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता को ये तय करना है कि सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाले लोगों के साथ हैं या जो पार्टी जो सनातन का सम्मान करती है उनके साथ हैं। केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया, शरद पवार आनी कंपनी पूरी की पूरी मंदिर का दर्शन करने नहीं गई। अमित शाह ने राहुल पर जमकर निशाना साधा। आरक्षण को हटाने की बात अमेरिका में जाकर करते, जब तक भाजपा का एक भी सांसद है एससी ओबीसी के, आरक्षण को आप हाथ नहीं लगा सकते हो। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आज दूसरे दिन महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार भरेंगे। बीते कल भी उन्होंने 2 रैलियां की थी जिसमें उन्होंने मुख्य विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को कटघरे में खड़ा किया। जैसे जैसे मतदान करीब आते जा रहा है वैसे वैसे महाराष्ट्र में चुनावी घमासान बढ़ते जा रहा है। बीजेपी ने प्रचार में कमर कस ली तो पीएम मोदी ने भी अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। पीएम आज लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र के रण में प्रचार के लिए उतरेंगे। पीएम की आज 2 रैलियां होंगी, दोपहर 12 बजे अकोला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे तो दोपहर 2:15 नांदेड़ में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को नासिक में रैली की, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात वहां छेड़कर महाविकास अघाड़ी और खासकर उद्धव ठाकरे पर करारा हमला बोला। देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहब की प्रशंसा भी उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता। पीएम ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि उन्हें न तो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की परवाह है, न ही कोर्ट की और न ही देश के भावनाओं की, सिर्फ दिखावे के लिए जेब में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। और चलिए सारसे के न्यूज में अब बात करते हैं झारखंड चुनाव को लेकर। आज देखिए झारखंड में चुनावी सैटरडे होने जा रहा है क्योंकि आज कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरेंगे। राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन झारखंड में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे तो वहीं बीजेपी से अमित शाह, राजनाथ सिंह भी चुनावी प्रचार में उतरेंगे। जेपी नड्डा भी चुनावी हुंकार भरेंगे। झारखंड में पहले चरण के प्रचार में अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बाकी है, लिहाजा सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी आज लगातार दूसरे दिन झारखंड में प्रचार करेंगे। राहुल आज दोपहर 12:30 धनबाद में जनसभा करेंगे तो दोपहर 2:15 जमशेदपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले अपने प्रचार अभियान के दिन राहुल ने फिर खटाखट का नारा दिया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी वैसे ही जाति जनगणना होगा, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इस दीवार को हम तोड़ दें। अमित शाह बीजेपी के प्रचार की अगुवाई करेंगे। अमित शाह आज 11:00 पलामू में जनसभा करेंगे, दोपहर 12:30 हजारीबाग में रैली को संबोधित करेंगे, दोपहर 2:00 पूर्वी
सिंहभूम के पोटका में जनसभा करेंगे, तो दोपहर 3:15 पर जमशेदपुर में रोड शो करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज झारखंड में प्रचार करेंगे। नड्डा आज दोपहर 12:20 पर पलामू में जनसभा करेंगे, तो 2:30 रामगढ़ में रैली करेंगे। शाम 5:00 रांची में डॉक्टर्स के साथ संवाद करेंगे। अब देखिए, यूपी में भी उपचुनाव है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, जिसकी देश भर में खूब चर्चा हुई। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी पार्टी को लेकर एक नया बयान दिया गया है, जिस पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। पहले बटेंगे तो कटेंगे, सीएम योगी ने अपने विरोधियों की टेंशन बढ़ाई इस नारे से। अब नया नारा देकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है, जिसके बाद यूपी की सियासत में उबाल है। फौरन ही अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें नकारात्मक बातों पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी जन आस्था के साथ खिलवाड़ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी। उपचुनाव यूपी का है, धड़कनें पूरे देश की बड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ 9 सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे की लड़ाई है। ऐसे में योगी इंडिया गठबंधन पर हमला बोलने में नहीं चूक रहे हैं। योगी के समाजवादी पार्टी पर तल्ख तेवर के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी को हरा दिया, उसी तरीके से इन उपचुनावों के नतीजे भी आने वाले हैं। ये बौखलाहट में वो ऐसी बातें कह रहे हैं। बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर विधानसभा की 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी तेवर भी तल्ख होते जा रहे हैं और चुनाव प्रचार में नेताओं की भाषा निजी टिप्पणियों से लेकर अभद्रता तक जाती हुई दिखाई दे रही है। कई नेताओं ने तो शालीनता छोड़कर मर्यादा की तमाम सीमाओं को लांघ दिया। राजस्थान के उपचुनाव में नेता मर्यादा भूल रहे हैं, एक दूसरे पर बयानों के गोले दागे जा रहे हैं। राज्य के सीएम भजन लाल शर्मा भी इनमें से एक हैं। इन्होंने आर्टिकल 370 पर बोलते हुए राहुल गांधी के परिवार पर बेतुका बयान दे डाला। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि धारा 370 हटना चाहिए। अरे राहुल गांधी जी, अरे आपकी तो बात छोड़िए, आप अपने पापा जी को भी ले आए तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी दिव्या मदेरणा के परिवार पर बेतुका बयान दे डाला। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं 4 बजे घूमूं, 3 बजे घूमूं, किसी को क्या तकलीफ है भाई? क्या था तुम्हारा, याद करते ही सीढ़ी चलाते छोरे, शर्म को नहीं मिलती। बयान के जरिए अपनी सीमा लांघने वाले नेताओं में राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा सबसे अव्वल रहे। उन्होंने वोट के खातिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाना ही सही बता दिया। जिस कानून में पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। अब देखिए, चुनाव प्रचार में महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी देने के मामले में चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है और साथ ही साथ कहा है कि जो भी ऐसे बयान देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मुंबई में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त समेत आयोग के अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कई अहम निर्देश दिए गए। सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक अशोभनीय टिप्पणियों की निंदा की। अधिकारियों को विवादित बयान देने वालों से सख्ती से निपटने के लिए कहा गया। उन्होंने नेताओं को निजी हमले न करने को कहा। मुंबई की मुंबा देवी सीट शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी ने आयोग के फैसले का स्वागत किया। शायना को लेकर के शिवसेना उद्धव गुट सांसद अरविंद सावंत ने विवादित बयान दिया था। मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और हम ऐसे टिप्पणियों का निषेध करते हैं। मैं आदर और सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ सीईसी का ये कमेंट, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई शाइना एनसी का नहीं है, हर महिला के लिए। जहाँ कोई टिप्पणी करते हैं, आइटम बुलाते हैं, माल बुलाते हैं, बकरी बुलाते हैं, अन्य शब्दों का दुरुपयोग करते हैं, मैं कोई डिविजिव पॉलिटिक्स कभी नहीं करती हूँ मैम। अब देखिए, बिहार में भी 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, जिस पर सियासी घमासान जोरों पर है। एक चुनावी सभा में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला और कहा कि वो बीजेपी के सामने कभी नहीं झुकेंगे। बिहार में भी उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। गया की बेलागंज सीट पर आरजेडी के लिए साख का सवाल है, लिहाजा वहां जीत के लिए तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। जब ज्यादा जिलों के भाई सिलाई पटक पाए कि भाजपा वाला पटक देगा।
लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डरा वाला आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला और कहा चाहे जो भी हो जाए आरजेडी कभी भी बीजेपी के सामने नहीं झुकेगी। आप सब लोगों को बता दे जब भाजपा में हिम्मत आमने सामने की नहीं होती है तो साजिश षड्यंत्र भैरूपियों का इस्तेमाल किया जाता है। बेलागंज सीट पिछले 30 साल से आरजेडी का कब्जा रहा है। यहां सुरेंद्र यादव के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जहां पर समोसा कांड इस वक्त चर्चा में है और अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल पहले इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी जांच बिठाई गई और अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। समोसे की कीमत तुम क्या जानो सुखू बाबू, लेकिन समोसा 5-स्टार होटल का हो तो समोसे पर सीआईडी जांच बैठ सकती है। 5-5 पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी हो सकता है। सुनने में भले ही आपको ये किसी फिल्म के डायलॉग बाजी सा लगे लेकिन हिमाचल प्रदेश में समोसा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम तक से जवाब नहीं देते बन रहा है। समोसे पर सियासत गरमाई हुई है लेकिन ये बात किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही कि समोसे पर सीआईडी जांच बिठाने की जरूरत क्यों पड़ी। हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद के बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ समोसा पार्टी की। आए दिन वीडियो में एक दूसरे के साथ बैठकर समोसा खाते दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा मामला 21 अक्टूबर का है जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। यहां पर उनके लिए 3 बॉक्सेस में समोसे और केक मंगाए गए थे लेकिन समोसे और केक सीएम तक पहुंचने की जगह सुरक्षा कर्मियों को सर्व कर दिए गए जिस पर बात इतनी बढ़ गई कि सीआईडी जांच तक पहुंच गई। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आ रहा है नक्सलवाद से। अब क्या है ये पूरा कनेक्शन वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में नक्सल कनेक्शन भी सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक मर्डर केस में मुंबई की गिरफ्त में आए गौरव अपू ने और रुपेश मुहोल ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। गौरव ने बताया कि वो रुपेश और शुभम लोनकर झारखंड गए थे। झारखंड के नक्सल ग्रस्त इलाके में AK-47 से फायरिंग की प्रैक्टिस की थी। शुभम लोनकर अभी भी फरार चल रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये काफी गंभीर बात है। जांच की जा रही है क्या लॉरेंस गैंग और नक्सल में सांठगांठ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नक्सल इलाके में प्रैक्टिस करना सामान्य बात नहीं है लिहाजा इस एंगल से भी जांच की जा रही है। इनका नक्सलियों से कोई कनेक्शन है या कोई नक्सल उनकी मदद कर रहा है या उनके अलावा कोई और है। इस बीच मुंबई के ऑथर रोड जेल में संभावित गैंगवार की संभावना को देखते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य को दूसरे जेलों में ट्रांसफर करने की अर्जी दी गई है। बात राजधानी दिल्ली की करते हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा खराब है और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और अब ड्रोन के जरिए प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है। आनंद विहार इलाके में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ड्रोन के जरिए पानी का छिड़काव करने का ट्रायल शुरू किया। इसका मकसद हवा में तैर रहे धूल के कणों को नीचे बिठाने की कोशिश है ताकि प्रदूषण के स्तर में कुछ हद तक कमी लाई जा सके। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए अलग अलग उपायों पर काम किया जा रहा है। इस वक्त आनंद विहार में हम लोग मौजूद हैं और आप देखिए कि ड्रोन के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पानी का छिड़काव इसलिए क्योंकि जो धूल के कण हवा में तैरते हैं जिसकी वजह से PM2.5 और PM10 का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है उसको कम करने की कोशिश है। इस ड्रोन की खासियत की बात करें तो ये ड्रोन 15 से 17 लीटर तक पानी लेकर उड़ान भर सकता है। इसके बाद इसके जरिए पानी का छिड़काव किया जाता है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन लंबी दूरी और ज्यादा वक्त तक उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। इनका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ एंटी स्मॉग के जरिए छिड़काव मुश्किल होता है। तो अभी तो ये स्टडी प्रोजेक्ट है और अगर ये सफल होता है तो फिर आगे के लिए प्लान करें। दिल्ली के जिन इलाकों में प्रदूषण सबसे ज्यादा रहता है उन्हीं इलाकों में ड्रोन से पानी का छिड़काव किया जाएगा। चलिए 60 सेकंड न्यूज में अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे एक कार का अंतिम संस्कार। मिडिल क्लास फैमिली में कार एक बहुत बड़ी चीज होती है। कैसे इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के अमरेली में एक संजय पोलरा नाम के किसान की पहली कार जब बेकार हो गई तब उसने ना उसको सेकंड हैंड बेचा
ना ही उसे कबाड़ में दिया, बल्कि पूरे गांव को बुलाकर कार की अंतिम यात्रा निकाली, फिर गाजे बाजे के साथ उसे दफनाया। लोगों के हुजूम के साथ कार अपने आखिरी सफर पर निकली तो कार को बीच में खड़ा करते हुए चारों तरफ गरबा भी खेला गया। अंतिम यात्रा के बाद कार आखिरी पड़ाव पहुंची, जहां एक बड़ा सा गड्ढा कार के लिए पहले से तैयार था। साधु संतों को बुलाकर कार के मालिक ने पूजा पाठ कराई, फिर बुलडोजर ने मिट्टी डालते हुए कार को दफनाने की औपचारिकताएं निभाई। अब संजय पोलरा यहां उसकी याद में पेड़ भी लगवाएंगे। ये कार एक किसान परिवार की पहली कार थी। किसान के मुताबिक कार आने के बाद उनकी किस्मत चमक उठी। कार उनके परिवार के सदस्य की तरह थी, इसलिए उसकी विदाई भी ऐसी हुई जैसे कोई अपना इस दुनिया से जा रहा हो।